बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। ताकि जैसा ये पीछे चीनी लिखी हुई है ना, इस तरह आपके पास वीडियो पहुँचे, इस तरह करके। एनी वे तो यार आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद सरकार आपको बताना है कि हांगकांग में बंदा फूड पांडे का काम करके कितने पैसे कमा लेता है एक दिन के। बंदा फूड पांडे का काम करे जो हम डिलीवरी देते हैं, एक डिलीवरी नहीं पूरा दिन डिलीवरी अगर दें तो एक तो चलो डजंट मैटर है, एक का क्या बनेगा। जो एक पूरा दिन हम मजदूरी करते हैं, पूरा दिन एक काम करते हैं, तो और ये क्या काम, और ये काम कैसे किया जाता है, और क्या सीन होता है, और बंदा कितने पाकिस्तानी कितने कमा लेता है, और हांगकांग के कितने कमा लेता है। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो उठाने के लिए। सरकार जो पेंडा मार्ट फूड पेंडा की जो कंपनी है उनका जो ऑफिशियल पेंडा मार्ट स्टोर है, पाकिस्तान में भी काफ़ी पेंडा मार्ट स्टोर अभी खुल गए मुझे पता है। इवन दो के मेरा जो होम सिटी होम टाउन है मीरपुर आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर भी फूड पेंडा आ चुका है, वहाँ तक पहुँच चुका है फूड पेंडा। ये काफ़ी तरक्की कर गया सरकार। तो पाकिस्तान का मुझे तो पता नहीं है वहाँ पर एक डिलीवरी के वो कितने पैसे दे रहे हैं, लेकिन हांगकांग में जो साइकिल वाला है उसको जनाब एक डिलीवरी के एटलीस्ट जो मिनिमम है वो $30 मिलते हैं, $30। और पाकिस्तानी वो कितने पैसे बनते हैं बाद में बताऊंगा आपको। यार अभी बता देता हूँ, पाकिस्तान में एटलीस्ट उसके बन जाते तकरीबन 900 रुपया पाकिस्तानी एक डिलीवरी का, अगर पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो $30 कुछ भी नहीं है भाई साहब, लॉली वो भी है। यू नो वाई, कि यहाँ पर रेंट फूड एवरीथिंग इज़ सो एक्सपेंसिव, इज डैम एक्सपेंसिव। एंड जो रेंट है ना आपकी इस तरह का खाल निचोड़ता है। एनी वे तो बाकी जना पहले चलते हैं, ऑटो उठाते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते हैं सीन वगैरह। तो यहाँ पर बाइक खड़ी करने लगा हूँ, उसमें मसला ये कि हम बाइक खड़ी तो कर दूँ, लेकिन जो यहाँ पर स्टाफ है ना स्कूटी वाला वो पगला हो जाता है, पीछे पड़ जाता है बस कि भाई साहब यहाँ पर बाइक मत खड़ी करो, अंदर जाके खड़ी करो। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑटो मेरा बना पड़ा, उठा कर निकलता हूँ। एनी वे खोलो बुआ, जानते हुए कि काम क्या सिस्टम क्या है। जनाब ये ऑटो मैंने उठा लिया है, मेरे हाथ में है, और अभी इसको अपनी टेस्ला के साथ लगाने लगा हूँ। टेस्ला मतलब मेरी बाइक यार, इसको मैं अपनी बाइक बोलकर तो ही नहीं करना चाहता। ये मेरी पक्की वाली टेस्ला है, क्योंकि ये मेरी इससे मेरा बड़ा साथ दिया जनाब, हर वक्त बारिश हो तूफान हो आंधी हो जो मर्जी हो, ये हर वक्त बेचारी मेरे साथ रहती है। तो यार बैग्स को कहीं लगा लूँ इनको, कहीं किसी पासे रख लूँ, और पीछे तो बहुत पड़ी हुई है, मैंने नहीं रखी हुई है, मैंने कहा कोई और रख गया। हाँ आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये नहीं है कि आपको दो चार घंटे काम करके तो पूरे दिन की कमाई हो जाएगी, ये वाला सीन नहीं है। जिस तरह आप पूरा दिन मजदूरी करते हैं ना भाई साहब, किसी ठेकेदार के पास या किसी मिस्त्री के पास या कहीं भी, या किसी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर, इवन दो के कोई पुलिस वाला है वो 12 घंटे ड्यूटी करता है, उसकी ड्यूटी इवन दो के हमारी ड्यूटी से ज़्यादा सख्त है। तो हमारा भी यही हिसाब है भाई, अगर हम जाएँ क्या नाम उसका कंस्ट्रक्शन पर तो हमें सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता है। अगर हम ये काम करें तो अगर जल्दी स्टार्ट करना चाहें तो जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं, इवन दो के इसके लिए हमें शिफ्टें उठानी पड़ती हैं भाई साहब, पांडा का जो काम है तो इसके लिए जो ना शिफ्ट शेड्यूल करनी पड़ती है पूरे हफ्ते की, नेक्स्ट वीक की, तो तब जाके आप काम कर सकते हो। वैसे मुँह उठाकर आप कहें कि फ़ोन उठाकर पकड़ करो काम करना शुरू करने वाला कोई सीन नहीं है, उससे पहले आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है कंपनी के पास, तो अकाउंट खुलवाएं फिर वो आपको शिफ्टें मिलती हैं, फिर उसके साथ आप काम करते हो। लाइक आप कह लें कि 8-9 घंटे काम करना है, 8-9 घंटे में भी आपका दिन की कमाई हो सकती है, कि अगर आप सही मेहनत करें और एटलीस्ट यू वर्क एट 12 आवर, अगर आप 12 घंटे काम करते हैं ना, अगर काम अच्छा है ना, तो आप एक दिन के मेरे ख्याल में $1,000 कमा सकते हो, $1,000। लेकिन अभी इन दिनों में बहुत मुश्किल है, यू नो वाई, कि जो पांडा कंपनी है ना उसने काफ़ी सारी यकीन लगानी शुरू कर दी हैं। ये ना कि मेरी को वीडियो बक्स कर ले और उनको जगह दिखा दे यार, अच्छी बात है, मैं तो चाहता हूँ दिखाई कोई, क्यों कि हमारे कम से कम रेट अच्छे होना। एनीवे तो पहले होता था, पहले जब काम करते थे ना, मैंने जब शुरू किया था काम 2020 में मैंने पहला काम शुरू किया था, मेरे ख्याल में जनवरी या फरवरी में मैंने शुरू किया था, पाकिस्तान से वापस आया था उस वक्त मैंने शुरू किया था। तो उस वक्त 2 घंटे काम करो तो आपके $300-400 बन जाते थे, कुछ बड़ा काम होता था उस वक्त तो। लेकिन अभी आप 6 घंटे काम करो तो $400-500 बनते हैं जी दोस्तों। तो इतना सारा काम था, वहाँ से ऑटो उठाया और यहाँ पर आकर दे दिया। अब आपको कैसे समझाऊँ कि कहाँ से उठाया कहाँ पर दिया, बता दिया कि पांडा मार्ट से उठाया। एनीवे तो कस्टमर की लोकेशन पे आकर मैंने दे दिया ऑर्डर,
एक हमारी डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, एक नहीं हुई, काफ़ी सारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं सुबह से काम पर आया हूँ, मैं जो है ना वीडियो स्टार्ट कर रहा था, थोड़ा सा बिजी था और किसी वजह से, और अभी इस वजह से लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। एनीवे तो यार, अगर आप पूरा दिन काम करो ना 12 घंटे तक, तो मैं बता रहा था आपको 1000 डॉलर, अब पहले 1100, 1200, 1300 भी बन जाते थे, लेकिन अभी जो काम डाउन हुआ है ना, काम तो ठीक है लेकिन जब पैसे डाउन हुए ना, उसकी वजह से हमारे अभी 800-900 इतने बनते हैं। तो पाकिस्तान को अगर इसको ज़र्ब दी जाए तो फिर ज़्यादा ही रकम बनती है डेफिनेटली। अब ज़र्ब देने के हांगकांग के डॉलर पाकिस्तानी कितने बनते हैं, आप उसको आप पूछ सकते हैं, क्या नाम है उसका, वहाँ से करेंसी एक्सचेंज से पूछ सकते हैं क्या रेट है डॉलर का, हांगकांग के डॉलर का, या आप पूछ सकते हैं, या आप इंटरनेट से पूछ सकते हैं कि भाई साहब आज हांगकांग के डॉलर का क्या रेट है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 900 डॉलर या 1000 डॉलर का कितने बनते हैं। तो मैक्सिमम जो है ना वो आप 1000 डॉलर कमा लेते हो लाइक वीक डेज, मिनिमम 900-800, एंड सैटरडे संडे, इवन दो यू वर्क एंड सैटरडे संडे इज मोर वर्क, इज हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, दैट डे इज मोर बिजी एज यूजल, तो दैट डे आप कमा सकते हो 1300-1400 इस तरह कमा सकते हो। और अगर कोई किसी और दिन पब्लिक हॉलीडे आ गया, उस दिन आप और ज़्यादा कमा सकते हो। समटाइम तो आपका बस लक चल जाता है, फिर इतना ज़्यादा लक चलता है कि आप बस दौड़ते रहते हो पूरा दिन, ये वाला सीन हो जाता है, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता, इस तरह का काम होता है कहीं पर। तो एनीवे चलते हैं, अभी मैं एक छोटा सा काम है, कल भी छोटा सा काम था, आज भी छोटा सा मेरा काम है यार। मैं कल एक दोस्त का एक छोटा सा काम करने वाला था कि उसके यार छोड़ नहीं बताता, बाद में बताऊंगा। एनीवे पहले बहुत चलते हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं क्या सीन होता है। अभी ऑटो शाटो मेरा कोई नहीं आया, फोटो तो मैंने खींच लिया उसका, तो ये ना मुझे ऑटो दे ही दें। एनीवे अभी हम कहीं और जा रहे हैं, मतलब कि कहीं और सर्चिंग फॉर अनदर न्यू डिलीवरी फॉर दैट, कि कोई और डिलीवरी आ जाए। डिलीवरी तो मेरे पास आई हुई है, लेकिन मुझे वो छोटा सा जो मैंने बताया था ना अभी कि वो वाला काम करना, वो जल्दी जा रहे हैं करने के लिए यार, जस्ट फॉर फन सेक। ओके भाई यार थोड़ा पलाओ जी, मैं ही गलत हूँ, बस गलती सल तो मेरी ही है, मेरा इशारा बंद हुआ था, मुझे मेरा जाना नहीं बनता। एनीवे तो फिर भी हम निकल आए, तू तलाश कर, जाने दे भाई, मुझे जाने दे, मुझे बहुत ज़्यादा ताप दी है, हमें जल्दी है, तो चलते हैं सरकार। लेकिन पहले रुक जाएं, मेरी बात सुनो, देयर इज़ अ फोर टाइप ऑफ पीपल वर्क इन फूड पैंडा कंपनी, आई मीन फोर काइंड ऑफ पोजिशन इन देयर। पहली कौन सी है, वॉकर, मीन अपनी टांगों पर चलकर अपने जानवर ऑर्डर देकर आना, चलाते वो भी साइकिल ही है भाई साहब, ये वैसे ही है वॉकर है। दूसरी पर आते हैं नाब साइकिलिस्ट लाइक मी, तीसरी पर आते हैं नाब राइडर लाइक आई मीन मोटरसाइकिल वाले, और चौथी पर आते हैं गाड़ी वाले जनाब, बड़े राइडर, शहनशाह किस्म के राइडर, तो जो कि वैसे ज़्यादातर बेले बैठे रहते हैं। तो और हिसाब लगा लें कि वॉकर की लाइक कितनी सैलरी है, इतनी सारी, साइकिलिस्ट की थोड़ी इतनी कर लें, और उस हिसाब से बाइक वाले को थोड़ी सी इतनी कर लें, और जो गाड़ी वाले उनकी इतनी कर लें, डिफरेंस तो है ना, क्योंकि गाड़ी का तेल जलता भाई साहब, उसने फिर और भी उसके बहुत सारे औलाद है। ये बकरी बात है कि हमारे जहाँ पहला अंज कमा वो भी चलते हैं सही करके। डिफरेंट बात है कि हमारा और जो साइकिल वाले हैं ना, तो और जो वॉकर हैं उनकी जो है शाम के वक्त फिर कहते हैं कि मेरे को मालिश वाला मिल जाए, मालिश भी हमारी कर दें, ये वाला हिसाब हो जाता है फिर। एनीवे तो मोटरसाइकिल वाले थोड़े ईजी रहते हैं, और गाड़ी वाले तो डेफिनेटली ईजी है, उनको क्या मसला है, ज़्यादा तकलीफ हमें ही होती है जो पूरा दिन पैडल मार मार के जनाब बड़ा पागल हो जाता है। लेकिन पैसे जो आपको बताएं इतने ही बनते हैं, लेकिन जो राइडर हैं जो मोटरसाइकिल पर काम करते हैं उनके ज़्यादा बनते हैं, वो इवन दो के नॉर्मल डेज में भी 1000 से ऊपर कमा लेते हैं मेरे ख्याल में, अगर उनका काम ज़्यादा हो। अगर वो ही अड्डुला ना तो वो वाला काम, तो फिर वो बेचारे रोते रहते हैं बैठ कर चौक के अंदर कि हमारे साथ हो गए क्या है। तो चले जनाब, ये दूसरा मेरा ऑर्डर है, तो हमें उसके बाद ये वाला दूसरा जो मैं पहले देख रहा था, तो उसके बाद ये वाला दूसरा छोटी सी आर्ट्री है, ये भी मैं जाना कौन से फ्लोर पर है, मेरे अपने 10th फ्लोर पर मैंने जाना। एनीवे प्रेस 10th फ्लोर एंड गो अप, तो चलें जी चलते हैं ऊपर आर्डर देने के लिए। हाय दोस्तों, तो छुट्टी स्टार करके आप घर आ चुका हूँ, खाना वगैरह खाया, शावर लिया, बैठा हूँ। तो आज ये वाला सीन था कि हांगकांग में आप फूड पैंडा में कितने पैसे बना सकते हैं। तो जब पहले काम होता था ना, जब मैंने नया नया शुरू किया था, उस वक्त तो एक ऑर्डर के 40 डॉलर भी देते थे, 35 देते थे, उस वक्त मैक्सिमम था, मिनिमम और मैक्सिमम रेट था।
अभी इन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया, अगर दूर का ऑर्डर तो ज़्यादा दे देते हैं, अगर पास का तो थोड़े देते हैं। तो 1000, 1100, 900, 800, 900, 1100 इस तरह पैसे बन जाते हैं डेली, और सैटरडे संडे ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये है हमारी डेली अर्निंग फूड पांडा वालों की, और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो सारी से बहुत उनकी ज़्यादा है, और जो गाड़ी वाले हैं उनकी उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब बात आती है ना फिर कमाई की, असल में उनकी ऑर्डरों की जो क्वांटिटी है ना वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो उनको लाइक गाड़ी वालों को मोटरसाइकिल वालों की नस्बत कम ऑर्डर मिलते हैं, मोटरसाइकिल वालों नस्बत से मोटरसाइकिल वालों से ज़्यादा हमें ऑर्डर मिलते हैं साइकिल वालों को, और साइकिल वालों से भी ज़्यादा मिलते हैं फिर वॉकरों को। ये वाला सीन होता है, फिर असल में पैसे कम होते जाते हैं ना इस वास्ते। तो एनीवे अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरे चैनल का लाजमी विज़िट करें। और मैंने काफ़ी सारी जो है ना वो तकरीबन 400 वीडियो है मेरे चैनल पर एटलीस्ट, और जाकर उनको देखें, काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, और इन्जॉय करें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया और आखिरत के शंसीब करें, हमेशा दुआ में याद रखें, और अल्लाह के वाले। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।